हमारे बीटीएस के मेंबर भी जब से मिलिट्री में गए हैं तब से उनके साथ साथ बीटीएस के सभी मेंबर्स की, हम सभी आर्मीज को काफी चिंता रहती है, स्पेशली वी की तो कुछ ज्यादा ही, क्योंकि हमारे बीटीएस के मेंबर वी स्पेशल डिपार्टमेंट टीम का हिस्सा है, जिस टीम के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो भी मिशंस होते हैं, वो काफी सीरियस होते हैं और इसमें जान का खतरा भी इन्वॉल्व होता है। और कुछ ही वक्त पहले पता भी चला था कि वी की तबीयत काफी खराब हो गई थी, और उसके बाद वी ने व्यूअर्स पर भी कुछ फोटोज डाली थी जहाँ पर उनके बैक पर काफी बड़े बड़े निशान आ गए थे, जिसको देखकर हम सभी काफी घबरा गए थे। लेकिन रिसेंटली ही वी ने अपनी हेल्थ का एक बहुत ही बड़ा अपडेट हम सभी को दिया है, जिसके बाद आर्मीज काफी ज्यादा चैन की सांस ले रही हैं कि फाइनली चलो हमारे वी की हेल्थ कुछ इस टाइप की है और उनकी तबीयत कैसी है वो भी वी ने बताया है। लेकिन ये जानने से पहले ये जरूर जान लो कि बीटीएस के मेंबर वी की अमेजिंग और मजेदार वीडियोस आप हमारे सेकंड चैनल एडोफेक्ट रिएक्शन पर मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्ट करते हुए देख सकते हो, जिसका लिंक हमने आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियोस का मजा उठाइए। तो दोस्तों, वैसे तो हमारे बीच जानते ही हैं कि आर्मीज उनसे कितना प्यार करती हैं, और इसीलिए आर्मीज की टेंशन दूर करने के लिए कुछ ही दिनों पहले वी ने बताया कि रिसेंटली जब मिलिट्री में उनकी तबीयत खराब हुई थी तो अब उनके क्या हाल है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले वी ने इंस्टाग्राम पर अपने स्पेशल ड्यूटी टीम के साथ कुछ फोटोज को अपलोड किया था, जिनमें वी काफी ज्यादा हेल्दी और अच्छे लग रहे थे। कई सारे आर्मीज ने ये भी नोटिस किया कि वी ने काफी हेल्थ गेन कर ली है, उनका वेट भी काफी गेन हो गया है, लेकिन उनकी बॉडी काफी टोन्ड है और मसल्स वगैरह भी डेवलप हो गए हैं, जिससे पता चलता है कि वी काफी अच्छा खाना खा रहे हैं और उनकी हेल्थ एकदम ठीक है। कुछ वक्त पहले ट्विटर पर ये न्यूज काफी वायरल हो रही थी कि वी को काफी ज्यादा सीरियस इंजरीज हो गई थी और फिर वी की तबीयत भी काफी खराब थी स्पाइसी फूड को लेकर। लेकिन वी की इन फोटोज को देखकर ऐसा लगता है कि वी की हेल्थ अब एकदम ठीक है और स्पाइसी फूड भी उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। वैसे तो साउथ कोरियन मिलिट्री के बारे में ये बात काफी फेमस है कि वहाँ का फूड काफी हेल्दी होता है, लेकिन कई सारे लोगों ने बताया था कि फूड काफी स्पाइसी भी होता है और इसीलिए वी को उससे काफी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन शायद फिर उनकी प्रॉब्लम देखकर वी का फूड चेंज कर दिया गया होगा, इसीलिए वी की हेल्थ काफी अच्छी नजर आ रही थी। दोस्तों, इससे पता चलता है कि हमारे वी एकदम ठीक है और वो हेल्दी भी हैं और अच्छे से अपनी मिलिट्री ड्यूटी को निभा रहे हैं, और ये देखकर आर्मीज को बड़ा ही अच्छा लगा। यही नहीं बल्कि वी ने बीटीएस के 8th मेंबर यानी हमारे छोटू से योनटैन की भी हेल्थ अपडेट दिया था और योनटैन की अच्छी सी एक फोटो पोस्ट करी थी, जिसको देखकर आर्मीज को रियलाइज हुआ कि योनटैन भी अपनी हेल्थ में काफी अच्छे है। बीच में जब उनकी सर्जरी हुई थी तो वो काफी वीक हो गए थे, लेकिन अब योनटैन काफी अच्छे से रिकवर हो रहे हैं और काफी गोलू मोलू भी हो गया है। तो आर्मीज, आप मुझे बताओ कि वी के इस हेल्थ अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।